भैंसा पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्क 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब के पेश नज़र 8 अगस्त से 22 अगस्त तक जश्न मनाते हुए तमाम शहरियों में तिरंगा तकसीम किया जा रहा ताकि अपने घरों पर तिरंगा लगाया जाए और सरकारी इदारों पर भी तिरंगा लहराया जाए और मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए तमाम शहरियों में मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार से मुतल्लिक वाकिफ करवाते हुए शौर बिदार भी किया जा रहा और कहा कि 13 अगस्त यानी भैंसा डिवीजन सतह के तमाम मंडलों और भैंसा शहर के ओल्ड पुलिस स्टेशन से एक रैली का कल 10:30 बजे इनेकाद अमल में आएगा जिसमें तलबा सरकारी मुलाजमीन और ताजरीन शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से रैली में हिस्सा लेकर टाउन करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और सब इंस्पेक्टर महेश व दीगर मौजूद थे। 13 अगस्त को मंडल हर एक मंडल लेवल पे रैलीज ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें सारे स्टूडेंट्स, एनएसएस के पीपल, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो भी शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी जो रैली रहेगा ये मॉर्निंग 10:30 को 13 अगस्त को स्टार्ट होगा। इसमें गोल पी से स्टार्ट होकर ये अगेन रूट के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें भी मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें ऐसा हम चाहते हैं। अभी इस साल 15 अगस्त को हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मतलब स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव। तो इसी के अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक कंटिन्यूसली 8 अगस्त टू 22 अगस्त तक प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं थ्रू आउट द तेलंगाना स्टेट में। इसमें विलेज लेवल पे, मंडल लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हैदराबाद में कैपिटल लेवल पे, सारे लेवल पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसी के अंदर ये जो प्रोग्राम्स है इसका पर्पस है कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो भी काम किया है, जो सैक्रीफाइसेस किए हैं, तो सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स, यूथ, इसके बाद में एग्रीकल्चर करने वाले रहते वगैरह सभी लोगों को इसका अवेयरनेस होना चाहिए। इसके बारे में ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट और बाकी अदर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक प्लान ऑफ शेड्यूल